नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं निशा। सरोवर नगरी नैनीताल में भी मौसम का मिजाज बिगड़ने लग गया है, लेकिन इसके बाद भी पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई। आपको बता दें कि मौसम खराब होने के बावजूद भी सैलानियों की तादाद नौका विहार का लुत्फ उठाने से नहीं चूक रहे हैं। भयंकर ठंड और कोहरे के बावजूद भी सैलानियों का नैनीताल आने का दौर जारी है। यहाँ ठंड पड़ने से पर्यटक और स्थानीय लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी करने लग गए हैं, जिससे फुटपाथ पर दुकान लगा रहे दुकानदारों के चेहरे में रौनक देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार कई दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ने लग गया है। जहां सुबह गुनगुनी धूप के साथ कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं देर रात ठंड का प्रकोप होने लग गया है। और ऐसे में स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों ने भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वैसे अभी प्रशासन द्वारा कहीं भी कोई अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि देर रात को पाला पड़ने से अधिक ठंड होने लग गई है। अब देखना यह है कि कब तक प्रशासन द्वारा अलाव जलाकर लोगों को ठंड से राहत मिलती है। पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होने से होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस के साथ ही दुकानदार भी खुश हैं। ये थी नैनीताल से हमारे संवाददाता ललित जोशी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।